ये था अपने पास वेलोसिटी, टाइम फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी टेन ट्वेंटी थर्टी फिफ्टीन ठीक है, ये है मीटर पर सेकंड और ये है सेकंड ठीक है। आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा, कोई ग्राफ दे देंगे ठीक है, जैसे कि ये आपको एक ग्राफ दे दिया उन्होंने, इसके बाद ये लाइन यूं भेज दी है यहां तक और फिर इस लाइन को उन्होंने भेज दिया है ऊपर तक, ये आपके बिल्कुल यहां तक आती है समझो स्ट्रेट लाइन, और यहां पे ये है समझो आपकी इसी, ये आपको ऐसे लाइन लगा के ग्यून होगा कि ये इसी की सीट तक है ठीक है। इसके बाद ये लाइन आपकी आ जाती है स्लोप में नीचे, मेरी थोड़ी सिरफ हो सकते हैं, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेंगी ठीक है। ये भी आपको यूं दिखाएंगे, ये जो जॉइंट है, ये जो बेंडिंग है, ये टेन के सामने है, ये जो बेंडिंग है ये फाइव के सामने है, ऐसे रिप्रेजेंट किया होगा ठीक है। नहीं भी है तो हम स्केल से खुद चेक कर लेंगे, वो यहीं पे मिलेंगे आपको। अब आपसे ये पूछा जा सकता है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 20 सेकंड, इस बॉडी ने 20 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर किया है ठीक है। अब तक हमारे पास जो फॉर्मूले आ चुके हैं वो ये है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इट स्केयर वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू टू एस, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे फेल हो रहे हैं अपने ठीक है। कोई भी फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे डिस्टेंस बता नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो एक्सेलेरेशन है वो हमें पता ही नहीं है और वो सेम है ही नहीं। यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू ये स्लोप है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो 5 सेकंड में हमने देखा कितनी स्पीड पे थी 10 मीटर पर सेकंड, 20 पे देखा तो भी कहा 10 मीटर पर सेकंड, मीन्स उसकी स्पीड बिल्कुल सेम रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 से 15 तक मात्र 5 सेकंड में उसने अपनी स्पीड कितनी कर दी है, 10 से 40, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट शो कर दिया है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 15 पे तो उसकी स्पीड कितनी थी पीक पे 40 पे, और 20 पे 5 सेकंड बाद हमने देखा कि उसकी स्पीड क्या हो चुकी है इस पॉइंट पे 0, मीन्स यहां जाने के बाद उसने ब्रेक अप्लाई किए और उसके बाद वो उसने रोक दिया मात्र 5 सेकंड में 0 स्पीड कर दिया है ठीक है। तो अब यहां से उसकी डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इस टाइप से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे। आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये एरियाज फाइंड आउट करने हैं, इस लाइन के नीचे जो एरिया है, इस लाइन 0 से लेके 20 तक जो भी एरिया इसके अंदर एनक्लोज्ड है वही क्या उसकी डिस्टेंस है। करें शुरू, इसको आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे, मैथमेटिकली जिसका आप एरिया निकालना सीख चुके हों। तो आई थिंक ये एक ट्रायंगल दिख रही है सबको, ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल है यहाँ पे, स्क्वायर नहीं है, दिखने में स्क्वायर बेशक हो लेकिन ये साइड क्या है 10, ये साइड क्या है 5, क्योंकि 5 और 10 का गैप कितना है 5 ठीक है। तो इसका एरिया, इसका एरिया, फिर ये क्या दिख रही है आपको, नहीं है ट्रायंगल, यहां जाके ऊपर एक ट्रायंगल और नीचे एक फिर से रेक्टेंगल या स्क्वायर, क्या ये नीचे फिर से रेक्टेंगल, क्योंकि ये क्या है 10 साइड, ये क्या है 5, और इधर क्या दिख रहे हैं ट्रायंगल। करें काम शुरू, इससे अलग एक और भी काम आप लोग कर सकते थे इसके लिए, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता, अगर ग्राफ पेपर होता तो हम यहाँ पे यूं पूरी बड़ी एक ऊपर ट्रायंगल समझ लेते हैं, नीचे पूरी एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, मीन्स 1/2, बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 10, 5 मीन्स कितना एरिया आ गया 25, इसका 5 × 10 क्योंकि ये साइड क्या है 5, ये साइड क्या है 10, 10 × 5 50, ये फिर से क्या 10 × 5 50, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सोचोगे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए टाइम बढ़ रहा है, कुछ टाइम नहीं लगने वाला अपना। ये ट्रायंगल देखो अब आप यहां से, ये साइड क्या है यहां से यहां तक की 5, यहां से यहां तक का ये परपेंडिकुलर कितना है 10 से लेके 40 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 30, कितना हो जाएगा एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 5, हाइट कितनी 30, 2 15 15 5 जा
75। अब ये ट्रायंगल अपने पास, ये ट्रायंगल के लिए क्या परपेंडिकुलर कितनी हाइट है 40, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 40 और बेस कितना है 5, 1/2 5 × 40 सोल्व किया 25 100 सबको ऐड कर दो आंसर आ जाएगा कितना हुआ 50 50 100 100 और 100 200 और 75 और 25 300 मीन्स 25 + 50 + 50 + 100 + 75 इट विल बी 300 किसमें आएगा मीटर में। मुश्किल था बिल्कुल आसान है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कर सकते हैं शायद बिल्कुल आराम से ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे हम इसी को, एक और ग्राफ है अपने पास इसका ही, यहां से अपने पास है 5 10 15 20 10 20 30 40 50 दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, अगेन मीटर पर सेकंड सेकंड ठीक है। ये मैं पहले से इस बार आपको दिखा रहा हूं ताकि आगे गलती ना हो आपसे, आपको स्केल से दिख जाएंगे आराम से, मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि गलत ना हो ठीक है। यहां से हमने शुरू किया 10 20 30 40 15 5 10 15 20 आपको पता होगा पहले वाली वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम चेंज भी कर सकते हैं ये होना चाहिए इक्वल, आप चाहो तो ये कर सकते हो कि 10 20 30 मीन्स पार्टीशन इक्वल रहे, इंटरवल सेम रहे, वैल्यू आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ये जैसे इस बार हमने चलाई है कुछ इस टाइप से, समझो 10 के सामने याद में रहे ठीक है। इसके बाद जो अगली थी वो फिर से हमने स्टेट भेज दी है ठीक है, और अगली जो है वो हमने भेजी है 20 तक, और फिर यहां से हमने इसको थोड़ा और टाइम दे देते हैं गाड़ी को चलने के लिए 25, और यहीं से हमने इसको जीरो करना शुरू कर दिया। ये है क्वेश्चन ठीक है। ये जो आपके दिख रहे हैं पार्टीशन ये आपको नहीं मिलेंगे वहां पे, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपका ग्राफ के ऊपर अलग से क्लियरली दिखेगा आपको। ये अपने पास क्वेश्चन ये है आपका, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड इन 10 to 20 सेकेंड। इस बार आपसे ये नहीं पूछेगा कि शुरू से लास्ट तक कितने डिस्टेंस कवर किए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड तक उसने कितने डिस्टेंस कवर किया है, क्लियर है। तो अपना काम कुछ नहीं है, सिर्फ अपना जो दिया है उसी को टारगेट करना है, वे 10 से शुरू किया है मतलब इस पॉइंट से गाड़ी चलना शुरू हुई है, 20 पे जाके खत्म हो रही है मतलब इस पॉइंट तक वो जा रही है ठीक है। मींस इस ऊपर वाली लाइन को आपने कहां कहां तक चेक करना है 10 to 20 ठीक है। तो 10 से हमने समझो यहां से शुरू कर दिया ये, 20 समझो यहां पे खत्म हो रही है, इनके बीच का जो भी एरिया आएगा वही क्या रहा अपना डिस्टेंस 10 to 20 के। कैसे निकालेंगे हम, कौन कौन से लगा सकते हैं आप, ये तो लेंथ हमें पता नहीं, कहीं आप इसको ट्रायंगल बनाने की सोचो नहीं बना सकते हो, इसको ज्वाइन करा दें ठीक है। ये क्या बन गया आपकी एक ट्रेपेजियम बन गई है, ये भी क्या बन गई आपकी ट्रेपेजियम बन गई है, और आई थिंक ये दोनों आपको बराबर भी दिख रहे होंगे, दिख रही है लेकिन हम मान नहीं सकते हैं क्योंकि ये लेंथ नहीं पता हमें कितनी है ठीक है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, आप चाहो तो इसको यहां से चेक कर लेना फिर स्केल लगा के कि ये कितनी लेंथ है, या फिर अब एक बार इस ट्रायंगल का, इस ट्रेपेजियम को निकाल लेते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया, ये ट्रेपेजियम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी ये साइड और ये साइड दोनों के आपस में पैरेलल, और जिसकी दो साइड पैरेलल है उसको हम क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया का क्या होता है फॉर्मूला 1/2
sum of parallel side into I into H into H. So 1 by 2 sum of parallel side kitna hai? This is 10, this one is 20. ये 20 है, ये 10 है, कितना हुआ? 30 into height, इनके बीच की distance कितनी है? 5 2, 15, 15, 5 जा 75, ये तो आ गया अपने पास. अब हमने ये और निकालना है, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो अपने पास length है, ये निकालनी पड़ेगी. ये length आपको बिल्कुल clear यहाँ से दिख जाएगी, जो भी है, समझो ये लेंथ आपकी कितनी है, थोड़ी सी 10 से नीचे है, तो आप इसको 8 समझ सकते हैं. वहां पे आपको क्लियर भी है, ग्राफ पेपर के ऊपर है आपको, ठीक है. तो पहला एरिया हुआ, सेकंड 1 by 2 बेस सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, 20 into 8 28 into 5, ये क्या है 5 2 14 14 5 जा 17, समझ आया? तो कितना हो जाएगा अपने पास, 70 plus 75 145, टोटल एरिया 145 में जिसका आंसर है 145, ठीक है. ये मेरा 145 है. आपको जनरली जब आप इसको क्वेश्चन में देखेंगे तो ये जो पॉइंट यहाँ पे दिखा था वो आपको इतना कॉम्प्लेक्स देंगे नहीं, ये पॉइंट आपका 10 के सामने देंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है. तो 10 के सामने तब क्या हो जाता 75, और ये भी क्या हो जाता 75. मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी कर्व दिख रही है, इसलिए मेरी किस किसी में आ रही थी 8 के सामने, तुमने 8 लगा के सोल्व कर दिया, समझ आया? आपको ये बिल्कुल 10 टू 10 ही मिलेंगे, और फिर आपका 75 75 हो जाता. कुछ भी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए ट्रेपेजियम का, या फिर आप इसको दूसरा मेथड ये लगाते फिर उस टाइम पे अगर नहीं पता होता तो यू करते. ये क्या बन जाती है आपके ट्रायंगल, और ये क्या बन जाती है रेक्टेंगल. ये कैसे निकालते हैं, ये साइड इनटू ये साइड, ये साइड कितने 5 इनटू ये साइड कितने 8 5 40, ये 40 हो जाता, ठीक है. और ये क्या बचती अपने पास, ये 8 थी पूरी, तो ऊपर कितनी बच गई है 12 इनटू 1 बाय 2 बेस इनटू ऐड करेंगे ना, 1 बाय 2 हाइट तो हो गई, बेस कितना है 5 2 30 तो क्या होना है 30 40, ये भी क्या होगा 70. या तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं आता है तो अपनी मर्जी से कोई भी शेप बनाओ इसकी और फॉर्मूला लगा दो, समझ आया? कर लेंगे इस टाइप से हम, इस टाइप से अपना ये हो जाएगा.